यह जो ब्लॉग है यह है जनों का, इसको हम बहुत लोग उपनयन संस्कार भी बोलते हैं, तो इसलिए आपको जो है कुछ अलग हटके मिलेगा। बिल्कुल एक शादी के बराबर रिचुअल होता है और एक बहुत ही भव्य लेवल का फंक्शन होता है, वो भी लड़की की शादी की तरह। सब में हम लोग चलने वाले हैं शॉपिंग करने के लिए। जी हाँ, एक फंक्शन है घर में, तो उस फंक्शन के लिए जो हम लोगों को खरीदारी भी करनी है। तो अभी आ गए हम लोग रिलायंस ट्रेंड, आज लिफ्ट खोल लिया फटाक से। तो हम लोग आए हुए हैं जी यहाँ पर साड़ी लेने के लिए। तो साड़ी यहाँ पर इतना सारा देख रहे हैं रखा हुआ है। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी आज का दिन है रविवार और सुबह के बज रहे हैं सवा आठ बज रहे हैं। और इधर जिया सब भी तैयार हो गई है, क्रियांश को तैयार करना और हम लोग जाने वाले हैं डॉक्टर के पास। जी हाँ, तो डॉक्टर के पास चलते हैं। जिया को जो है कुछ दिनों से कुछ दिक्कत आ रही है और क्रियांश को भी जो है कुछ रैशेस हो रहे हैं लगातार, और वह लगातार होते ही जा रहा है। तो कैंडिड पाउडर उसको लगा रहे थे कुछ दिन तक, तो लगा कि आराम है, लेकिन अब फिर से वो सब होना स्टार्ट हो गया है। तो इसलिए अब चलते हैं डॉक्टर के पास ही और उसका ट्रीटमेंट होगा। तो अभी बज रहे हैं जी शाम के 5 और इस समय हम लोग चलने वाले हैं शॉपिंग करने के लिए। जी हाँ, एक फंक्शन है घर में, तो उस फंक्शन के लिए जो हम लोगों को खरीदारी भी करनी है। तो हम लोग जो है यहाँ से 2 दिन बाद चलेंगे उस फंक्शन में और आपको दिखाएंगे। और वह जो फंक्शन होने वाला है जी, शायद आप में से बहुत लोगों के लिए नया फंक्शन होगा, जो भी नए सब्सक्राइबर होंगे। तो वह फंक्शन होने वाला है जी उपनयन का, जिसको बहुत कोई जो है जनों भी बोलते हैं और हम लोग क्या हमें लोग भी जनों ही उसको बोलते हैं। तो उसके लिए लेना है, तो क्रियांश को भी साथ में लेकर के चल रहे हैं। ये भी अपनी खरीदारी करेगा जो इसको पसंद आएगा, और साहित्यिक भाषा में जनेऊ के लिए जो भी हो, हम लोग का मैथिली भाषा में उपनयन। उपनयन, चलो ठीक है, पकड़ो। बाय 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 कर रहा है तुरंत। मेरा पोता जाने के लिए खुश हो गया, बहुत खुश है। खुशी बरकरार रखे। 20 minutes later तो भी आ गए हम लोग रिलायंस ट्रेंड, यहाँ पे बच्चों की शॉपिंग हो रही है। और क्रियांश जो है, क्रियांश क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? क्रियांश की शॉपिंग हो गई है। क्रियांश शॉपिंग कर लिया, लिफ्ट आ गई, चलो। क्रियांश ने लिफ्ट खोल लिया फटाक से, चलो। वाओ, अब दबाओ। जय जय हो। क्योंकि यहाँ से शॉपिंग हो चुकी है और क्रियांश बहुत ज्यादा खुश है यहाँ आकर के। उस लिफ्ट का पावर फेल हो गया था, लिफ्ट में अटक गए थे। फिर आगे यहाँ पे हो रही है हमारी बिलिंग, यहाँ पे क्रियांश खेल रहा है। नो बेटा, तो फैमिली हमारी शॉपिंग हो गई और चलते हैं। तो हम लोग आए हुए हैं जी यहाँ पर साड़ी लेने के लिए। तो साड़ी यहाँ पर इतना सारा देख रहे हैं रखा हुआ है। तो जी अभी और भी मंगवाई, हाँ अभी लेकिन और भी मंगवा रही है कुछ देखने के लिए। तो एक तो पसंद आया है और एक देखा जा रहा है कि कौन सा लिया जाएगा। तो बाकी हम लोग देखते हैं। और क्रियांश यहाँ पर सैंडल खोल लिया, ये भी सैंडल पहना था, देखो ना कहीं पर होगा, उसी के अंदर तो नहीं दब गया, देखो ना मिल गया। चलो जी, सबसे मुश्किल होता है जी बच्चों को लेकर के आना शॉपिंग करना, देख रहे हैं ये यही करता है ये। बताइए क्या किया जाए इसका, कुछ ऐसा ही हाल है। और हम लोग के जब मम्मी पापा को जब भी यहाँ साड़ी लेना होता है ना कटिहार में, तो यहीं पर हम लोग आकर के लेते हैं। कलर सब तो एक पर एक है, लेकिन 2 ही उसमें से लेना है, तो उसमें से जो अपना सिलेक्ट कर रहे हैं हम लोग। हे क्रियांश, पापा पापा तो सारा शॉपिंग हो गया, आप देख सकते हैं हमारी एक भी बिंदी नहीं रहती है। मैं तुरंत बिंदी लगाऊंगी और मेरा बेटा तुरंत बिंदी निकाल करके वो ले जाता है। और अभी बज गए हैं 8:30, 9 बज गए, 9 बजे हमारा खाना लग जाता है। पतिदेव का खाना लग चुका है, बट ये फोन चलाने में इतना बिजी रहते हैं। वीडियो डाला था, वो वीडियो डाल दी गया, खत्म बात। तो ये फोन चलाने में आजकल इतना बिजी रहते हैं ना, चलाते नहीं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं काम वगैरह। आजकल तो जानते हैं सारा कुछ फोन पे ही होता है कि इनको खाना नहीं दिखता। और जब ये खाना ठंडा हो जाएगा फिर बोलेंगे खाना ठंडा दे दीजिए। तो दिखाते हैं आज के खाने में क्या क्या है। सबसे ज्यादा तो मुझको पसंद है वह, उसी शुरुआत करेंगे, वह आम की चटनी जो आज घर में पहली बार बना है। बिल्कुल, सीजन में सुबह गए थे स्पेशली आम लाने के लिए। कैसे दिया था आम? 40 रुपया आधा किलो दिया था, मतलब 80 रुपये केजी। तो चटनी कच्चा आम मिला था 80 रुपये केजी। और ये देख सकते हैं ये छोला है और ये दाल कद्दू, बाकी उधर सोजन की सब्जी है जो इनको खाना नहीं है, मुझे खाना है ना। कैसा लगा चटनी? मजा आ गया। मजा आया, ठीक है ऐसे लेते आइएगा, मैं बना दूंगी, ठीक है खाइए। फिर क्रियांश तो बाहर चला गया।
खाने दे तो हमको। अभी बज रहे हैं जी सुबह के 7:30 और क्रियांश अपना उठ करके तैयार है और अपने काम पर लग गया है। बस 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 इतना काम है क्रियांश को, अब से अपने ड्यूटी पर लग गया है ये। और फिलहाल हमारा है बनाना शेक, ठीक ले जाते। इसमें चीनी कहाँ है, चीनी वाला तो हमको चीनी नहीं देंगे, क्यों चीनी हम पियेंगे, हम चीनी के साथ ज्यादा टेस्टी लगता है। अभी बज रही थी दोपहर के 3:15 और क्रियांश जो है कुछ देर पहले ही सो करके उठा, कुछ देर पहले की यही 4-5 मिनट पहले। तो उसके बाद जो है उठते ही जो है क्रियांश का ये लीला है, सारा खिलौना का जो है अंदर फेंक रहा है, ये सारा खिलौना अंदर घुसाने की कोशिश करता है। उसके बाद फिर हम लोग निकालेंगे। ये बोतल भी फेंक दिया अपना दूध, साइड में रख दो। सुनो पैकिंग भी करना था ना, तो सारा सामान सब जो है निकालो और उसके बाद जो है पैकिंग करो, वरना फिर कल लास्ट टाइम हड़बड़ी हो जाएगा। अब आप ट्रॉली उतार दीजिए, पैकिंग कर लेते हैं। हाँ ट्रॉली उतार देते हैं। तो मुझे भी करनी है बहुत सारी पैकिंग, और कल मैंने क्या क्या शॉपिंग किया ना वो भी मैं आपको, चलिए मैं दिखा ही देती हूँ, शायद मैंने आपको दिखाया नहीं था इस व्लॉग में, तो चलिए मैं दिखा देती हूँ कि कल मैंने क्या क्या शॉपिंग किया। तो हम यहाँ पर ट्रॉली ला चुके हैं और क्रियांश जो इस ट्रॉली को ठेला बना करके रखा हुआ है और इसको ठेला बना करके खेल रहा है। इसका कुछ देर में जो बाल को बांध दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो है आपको दिखाते हैं हम लोगों ने क्या क्या लिया है। तो हम लोग जाने वाले हैं जी जनों के फंक्शन में, जैसा कि आपको कुछ देर पहले बताया था हमने। बिल्कुल, तो जिया अपने बेटे के जनों के लिए क्या क्या ली है तो देख सकते हैं, दिखाएं, दिखाओ अपना। तो ये हमने लिया, तो दो बेटे हैं तो दोनों के लिए जो है लिया गया है, एक लिया है प्यारा सा जींस, एक जींस लिया है। ऐसा ही सेम जींस लेना चाह रही थी बट उसमें था ही नहीं, तो फिर क्योंकि दोनों का एज जो है अलग अलग है और उस एज ग्रुप में जो है मिला नहीं हम लोगों को। एक शर्ट या हाँ हम चले हैं, जब हम चलेंगे तब सूट कैसे होगा। इधर प्यारा सा शर्ट लिया हमने, ये प्रिंटेड इनको बहुत पसंद आता है तो इन्होंने अपने पसंद से लिया है। बिल्कुल जी। और एक ये शर्ट लिया हमने, तो देख सकते हैं जी मुझे दोनों कलर जो है बहुत ज्यादा प्यारा लगा था वहाँ पर, तो हमने ले लिया हुआ। बाकी इसके बाद मैं दिखाती हूँ इसके अंदर क्या, दो साड़ी है। तो दोनों लड़के की माँ के लिए है साड़ी, बहुत खूबसूरत है, मैंने अपने पसंद से लिया है अपने हिसाब से। और आजकल ये ट्रेंड में भी चला है जिम्मीचू की साड़ी है, जो कि बहुत ट्रेंड में है अभी, तो हमने वैसे ही साड़ी और ये पेटीकोट। अभी इसके अंदर मैंने वो चूड़ी सिंदूर नहीं रखा है, वो रखूंगी बाद में, ले लिया जाएगा चूड़ी सिंदूर, कोई बात नहीं। और ये साड़ी है, ये कलर मुझे बहुत पसंद आ रहा था तो हमने एक ये लिया है। इसमें भी पूरा अंदर में पूरा वर्क किया हुआ है, आप लोगों को कैसा लगा ये साड़ी बताइएगा। ये मेरे पसंद का था और ये पति देव के पसंद का था, हमें था कि एक ही साड़ी लेनी है, मतलब एक ही साड़ी मतलब दो जैसा एक ही डिजाइन लेना था, लेकिन कलर अलग अलग, क्वालिटी के दो साड़ियां लेनी थी। बिल्कुल, इसमें मुझे दोनों एक ऐसा पसंद आ रहा था मुझे, लेकिन उसमें ना अलग अलग था, मुझे अलग अलग नहीं लेना था, क्योंकि जब भी एक घर में किसी का फंक्शन होता है, जैसे कि हमारी दीदी और एक उनकी जेठानी है, तो दोनों को एक रंग देंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। बिल्कुल जी, तो दोनों को जो एक रंग का दिया गया और उसमें जो एक फ्री मिल गया साथ में, ये फ्री में नहीं, मेरा लोवर जो है, मेरी का आदत होता है कभी भी शॉपिंग करने जाना हो तो उनको एक चीज अपनी कम पड़ जाती है, तो वहाँ पे गए वो शॉपिंग करने के लिए और उनका ट्राउजर जो है नीचे से ना फट गया, पता नहीं शायद डिग्गी। बिल्कुल, हम बाइक चला रहे थे, मेरा जो डिग्गी है उसमें कील निकला हुआ है थोड़ा सा, उसी कील में फट गया। वो ट्राउजर मुझे इतना पसंद है ना, मैंने अपने पसंद से इनको खरीद के लाके दिया, कोई बात नहीं उसको रफू करवा लेना है, फिर इन्होंने ये ट्राउजर खरीद लिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसा लगा हमारा ये सारा शॉपिंग आप लोग कमेंट में बताइएगा, उम्मीद करती हूँ कि दीदी को भी हमारा ये साड़ी अच्छा लगेगा। और पता है इसमें से सेम साड़ी मेरे पास है, ऐसी ही कलर सेम जिम्मे चुकी साड़ी मेरे पास भी है, आप लोग उसे बहुत पसंद किए थे, बोलते भी थे कि कहाँ से लिए कहाँ से लिए, वो तो मैंने ऑनलाइन लिया था, ये मैंने ऑफलाइन लिया है। तो यहाँ पर जी हम लोगों का सारा पैकिंग चल रहा है और सारा पैकिंग करने के बाद जो है हम जाएंगे थोड़ा सलून जा करके अपना थोड़ा सा हेयर कट और थोड़ा सा शेव करवाएंगे। हाँ ये अपना डांस कर रहा है क्या, हाँ वो छत ये देखो शर्मा रहा है ग्रियांस कोई बात नहीं, तो उसके बाद जो है बिल्कुल, तो उसका हम जो है जवाब देते रहते हैं, वो कहता है वो हाँ वो छत 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 छत, अभी छत पूछ रहा है।
अच्छा अच्छा, तो अब ऐसा करते हैं जिस ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं, बाकी हम लोग जो है कल निकलेंगे और जब वहाँ पर पहुँचेंगे तो वहाँ के बारे में जो है सारा अपडेट सब देंगे, क्योंकि यह जो ब्लॉग है यह है जनों का, जिसको हम बहुत लोग उपनयन संस्कार भी बोलते हैं। तो सिर्फ यह जो है ब्राह्मण और भूमिहार इन्हीं दो कास्ट में जो है इस चीज को देखा जाता है, तो यह ज्यादा देखने को भी नहीं मिलता है, तो इसलिए आपको जो है कुछ अलग हटके मिलेगा। और इसमें जितना भी फंक्शन होता है, एक शादी के बराबर जितना भी रिचुअल होता है, बिल्कुल एक शादी के बराबर रिचुअल होता है और एक बहुत ही भव्य लेवल का फंक्शन होता है, वो भी लड़की की शादी की तरह। हाँ, लड़की की शादी में जितने भी फंक्शन होते हैं हर कुछ लड़का के जनों में होता है। बिल्कुल जी, तो यहाँ जो है बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो ऐसा करते हैं जिस ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को शेयर जरूर कर दे, आपके एक शेयर से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।